फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? कैम अनशन अपनारा एंड वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग ऑफ महाराष्ट्र। इधर हम टी टाइम के लिए रुके हैं, देख सकते हैं। इधर हम टी पियेंगे और थोड़ा वॉशरूम जाना है तो वो भी कर लेंगे हम। बाय बाय और बाय बाय बाय। हम अब जा रहे मुक्ति धाम टेम्पल में। ये देखिए हमारे मंदिर। यहाँ कुछ शॉपिंग मॉल है, कुछ दुकान है, लोकल स्टोर। क्या 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 अंदर में बंद रखते हैं? हमें बाहर बाहर में बाहर में रहूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, सिर्फ बाहर का नजारा खींचूंगी बस। ये है मंदिर की तरफ वे टू टेम्पल लिखा है। अंदर फोन अलाउ नहीं है तो मैं सिर्फ बाहर से ही आपको दिखाऊंगी मैं। ये है मंदिर। ये दुकान सब बंद है, बहुत हम एडवांस आ गए तो इसलिए बंद है। ये थोड़ा कुछ दरबार टाइप मुझे दिख रहा है इसका एंट्री फ्रंट। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाकी मेरी मम्मा सब चले जा रहे हैं, मैं और पापा ही बाहर वेट करेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर और बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे 3 किलोमीटर के अराउंड में सब कुछ है और भगवान की कृपा से ये इधर वीडियो करना भी अलाउ है। देखिए और भी जगह पे हम लेके जाएंगे। ये देखिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और ये है लक्ष्मण जी के तपस्या के जगह और शेषनाग के भी और शूर्पणखा जी के जहाँ नाक कटवाए गए थे उनका यही भी मूर्ति है। हम ऊपर जा रहे हैं देखने के। देखिए ये वाला ये नजारा। और ये देखिए हमारा शूर्पणखा जी जहाँ पर लक्ष्मण जी ने अब उनके नाक काट दिए थे। देखिए ये काटी थी ना? नहीं, ये देखिए हमारा शूर्पणखा जी और ये लक्ष्मण जी, लक्ष्मण भगवान। ये मेघनाथ जी को मारने के लिए तपस्या किए थे और ये इसके नाम, इस जगह का नाम है पंचवटी। ये नासिक का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि शूर्पणखा की नाक करने की वजह से ये नासिका था, उसकी वजह से ये नासिक किया गया है। देखिए हम एक राउंड चक्कर लगा दिए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा ये शूर्पणखा जी। इधर कुछ वॉल में स्कल्पचर किया गया है, जैसे राम जी सीता मैया को बता रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हिरण को लाने के लिए शायद यही हुआ। हाँ, और ये आश्रम में रहते वक्त और ये कुछ राक्षस को दहन कर रहे थे। और हाँ, ये वाला है हिरण का। मैं अंदर बाहर नहीं जा पा रही हूँ, अंदर इतना कुछ सामान पड़ा है तो यही है इसका स्कल्पचर। और आगे से कुछ सामान है और ये राम सीता मैया के सिंहासन राजगद्दी के। अब मैं बताती हूँ इस जगह के बारे में। तो ये है दो नदी के संगम, गोदावरी और बाबा अलग टकी नदी ना कपिला में तापी। ओके, ये तापी मतलब नर्मदा और इसमें
लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा जी के नाक कट के गिराए थे। और ये तीन भगवानों का स्थान है, देख सकते हैं वो तीन स्टैचू। हाँ, वो राम, लक्ष्मण और सीता मैया की है। हम जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैं सुनी थी, बताए ये ड्राइवर लोग कि यहाँ पे जब बाढ़ आता है ये पूरा फुल हो जाता है, ये जगह गोदावरी के, ये जब बाढ़ आता है। और कुछ आश्रम भी बोले थे जहाँ पे राम जी रहते थे पहले आश्रम में, कौन सा मुझे नाम नहीं पता, मैं अगर जानूंगी तो मैं भूल गई नाम, मैं बता दूंगी। पर देखते क्या होता है, कहाँ इन लोग जाते हैं। ये गोदावरी का सोर्स और वो है तापी रिवर का, और इन दोनों का संगम हुआ है आगे, मैं चढ़ के आपको दिखाती हूँ उस जगह को। और ये है उसका संगम, देखिए यहाँ से मैं नीचे जाती हूँ उसको दिखाती हूँ आपको। मास्टर बाल बना, तुम छेड़ दो। कहाँ था छेड़ने दे बाबा। यहाँ से जो सोर्स है वो गोदावरी के, और इधर से जो सोर्स है वो तापी रिवर के, संगम हो रहा है। थोड़ा पैर डुबा के आते, थोड़ा आए तो थोड़ा पैर भी डुबा लेते। ये लो हो गया डुबका। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। एक छोटा सा मंदिर है उस गोदावरी और तापी नदी के सामने ही था ये मंदिर, हम उसमें जा रहे हैं अंदर। ये अशोक वाटिका जहाँ पे सीता मैया को कैद करके रखा गया था, और हनुमान जी उनसे अंगूठी लेने आए थे। और ये हनुमान जी की मूर्ति, ये श्री राम के वनवास का स्थान है, ये महर्षि अगस्त्य की आश्रम है। मुझे इनका हिस्ट्री इतना मालूम नहीं, तुम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। इधर सिर्फ सीता मैया के कुटीर है जहाँ पे सीता मैया को रावण ने दहन किया था। ये जो अंदर है सिर्फ सीता मैया की ही मूर्ति है, देखेंगे। और आगे में जो वो मंदिर है वो हनुमान जी के 11 फुट के मूर्ति है, जहाँ पे 5 पांडवों का अपने विशाल रूप दिखाए थे। पर इसमें अंदर फोटो या वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो इसे मैं बाहर से बता दे रही हूँ। मैं खुद भी अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि ना बाहर भी कोई रहने के लिए इन सब को लेने के लिए जगह कोई लोग नहीं है, तो इसलिए मैं भी अंदर नहीं जा रही हूँ। तो सिर्फ ये मैं दिखा देती हूँ आपको। उनका एंट्रेंस से मैं यहाँ से वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। सीता गुफा है, यार राम भगवान ने एक दिन एक रात के लिए सीता माता को गुफा में छुपा के रखा था, क्योंकि शूर्पनखा की नाक काटी लक्ष्मण जी ने। तब रावण के दो भाई खर और दूषण 14,000 असुर लेके राम भगवान और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने आए। युद्ध के समय में सीता माता को रखना था, तो राम भगवान ने एक दिन एक रात के लिए सीता माता को गुफा में छुपा के रखा। तो यहाँ पूरा जंगल था, जंगल में गुफा पहचान ना कैसे, तो राम भगवान ने गुफा पहचानने के लिए 5 पेड़ों का निर्माण किया। उन 5 पेड़ों के वजह से इस पूरे गांव का नाम पंचवटी पड़ा है। ये पेड़ देख लो, पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 4 और ये पेड़ नंबर 5। इन 5 पेड़ों से बोला जाता है पंचवटी। चलो आ जाओ, पंचवटी में राम भगवान ने पर्णकुटी बांधी थी। गोरेराम पर्णकुटी पर्णशाला। जय, दर्शन करके हम ऑटो लेके यही आते, यही रुकते। हाँ, अभी भी पंचवटी में है जहाँ पे सीता मैया को हरण करके ले गए थे, ये देखिए। काला राम मंदिर,
नासिक का मेन मंदिर। अच्छा अच्छा, इधर फोन अलाउ नहीं बोले। अरुणा वरुणा गोदावरी, अरुणा वरुणा अंतरवाहिनी, ये गोदावरी 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर इसका उगम स्थान, लास्ट पॉइंट राजमंड्री। मैं भूल गया, ये त्रिवेणी संगम, अरुणा वरुणा गोदावरी, अरुणा वरुणा अंतरवाहिनी, ये गोदावरी 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर इसका उगम स्थान। इस पूरे प्लेस को कहते हैं राम कुंड। नासिक में जो 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेले का जो शाही स्नान होता है, सभी साधु संत महात्मा लोग इस जगह के स्नान करते हैं। नीचे जाना, छीटा लगाना, ऊपर आना, ये आधे शिव जी आधे पार्वती जी अर्ध नारेश्वर का दर्शन करना। जो ये छीटा लगेगा इसमें थोड़ा पानी लेते हैं। अभी लंच टाइम है और अभी लंच के लिए ये होटल में आए हैं। क्या ये होटल संस्कृति है, बहुत ही ट्रेडिशनल सा है। ये पे देखिए कितना सारा गार्डन्स है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर सा लुक है इसमें। हम इधर बैठे हुए हैं, आपको इधर एक बार नेचर का नज़ारा दिखा देते हैं। मैं देखिए इधर बहुत सारा बच्चों के लिए पार्क है और हमारा बच्चा चला भी गया। हाँ हाँ, तू जा। देखिए बच्चों के लिए ये ट्रेन भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक नेचर लवर टाइप ये होटल है। हाय, ये पे रेल पटरी है उस टॉय ट्रेन को जाने के लिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। ओहो, इधर एक प्लेटफॉर्म भी है, स्टॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी आप इधर आएंगे तो होटल संस्कृति में एक बार आना चाहिए आपको। देखिए वाओ, इधर टेंट भी किया है, मतलब विलेज भी टाइप यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो सोने के लिए होता है ना, वो क्या बोलते हैं इस बेडिंग का, मुझे नाम नहीं पता, वैसे ही टाइप, बहुत ही अच्छा सा। देखिए इसका एंट्रेंस देखिए, आसा लैंटर्न भी लगा है। और आगे जाते हैं, ओ वाओ, इधर आगे छोटा सा एक पॉन्ड है। ओ ब्रिज भी है, अच्छा ब्रिज क्रॉस करने के लिए क्रोकोडाइल आर्टिफिशियल। बहुत सुंदर जगह है ये, एक्चुअली रियली सुंदर है ये। ये उसका एग्जिस्ट है या फिर एंट्रेंस, और इसका अंदर भी है। ओहो अच्छा, हैंडलूम है इधर, हैंडलूम का क्रिएटिविटी है। देखिए बहुत सारी अच्छी सी गार्डनिंग मेंटेनेंस भी, क्या बात है, कमाल है ये। देखिए अब हम इस छोटू से ब्रिज में चढ़ेंगे। देखिए ये पे एक हॉल टाइप है इधर ना, आप अगर एज अ पिकनिक स्पॉट में भी आ सकते हैं इसमें, या फिर ऐसे ही टाइम पास हो या ब्रेकफास्ट टाइम, ऑल एवरी टाइप के लिए आप इधर मौजूद है। देखिए अब हम खाने के लिए जब बुला रहे हैं हमें, अब हमें चलना चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उधर हम नेक्स्ट व्लॉग करेंगे। हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर और अंदर फोन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट कुछ अलाउ नहीं है, तो मैं सिर्फ बाहर का दर्शन करवा देती हूँ। बोर्ड दिख रहे हैं इसमें, इसी से ही हम एंट्री करेंगे और आगे से मैं वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि अलाउ नहीं है।
शिव जी के मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। देखिए एक नजारा मैं झलक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लॉग, सेकेंड ब्लॉग। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और थर्ड महाराष्ट्र के ट्रिप का वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।